जोहार झारखंड रांची आप जारबर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि पतरातू प्रखंड के लादी चिकोर मतकमा देवरिया कुर्से चोरधरा किरीगढ़ा हुरुमगढ़ा के 500 किसानों ने 2018 में फसल बीमा कराया था, जिसकी क्षतिपूर्ति की राशि एक वर्ष बाद भी किसानों को नहीं मिला। किसानों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। पिछले साल अल्प बारिश से प्रभावित धान मक्का की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला। पुनः इस वर्ष भी बारिश नहीं होने के कारण धान एवं मक्का के पौधा खेतों में ही सूख रहा है और अब पुनः उसे उगने की संभावना भी नहीं। किसानों ने रामगढ़ जिले के उपायुक्त को त्राहिमाम संदेश भेजकर जल्द बीमा राशि की भुगतान की मांग की है। हमारा कहना है कि 2018 में हम लोगों ने जो फसल बीमा कराया है मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अभी तक किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि का जो मुआवजा है वह भुगतान नहीं किया गया है। आखिर यह सरकारी महकमा सोया हुआ क्यों है? किसानों की समस्याओं पर सरकार या सरकार के अधिकारियों की इतनी क्या कौन सी व्यवस्था है कि अभी तक हम लोगों को जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए वो भुगतान नहीं किया गया है। हम किसान मांग करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे फसल बीमा की मुआवजा राशि हमारे खाते में सरकार भेजने का काम करे। और अभी जो तत्काल में जो एक अकाल की स्थिति बनी हुई है 2019 में सरकार के अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, किसानों का जो लगाया हुआ धान का बिचड़ा है वो अभी मर रहा है। इस पर भी सरकार कोई ठोस पहल करे कि किसान का कुछ भला हो। और यदि किसान की फसल बर्बादी होगी कि देश का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ये सरकार स्वयं जानती है। नाम? हमारा नाम पंकज कुमार दांगी, ग्राम लादी।